हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं, उस स्टॉक का नाम है शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड। जो कंपनी है, ये कंपनी क्या काम करती है दोस्तों? ये जो शालीमार जो बैनर है, बैनर के नीचे ये फिल्म प्रोडक्शन का काम करती है दोस्तों। ये फिल्म बनाती भी है, जैसे रीजनल फिल्म में हो गई, जैसे राजस्थानी फिल्म में हो गई, हरियाणवी फिल्म में हो गई, इस तरह की ये जो रीजनल फिल्में होती हैं उनको बनाती भी है, उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, और म्यूजिक भी बनाती है, और जो शॉर्ट फिल्म होती है वो भी बनाती है दोस्तों। जैसे कि इसने एक राजस्थानी फिल्म में बनाई थी पराई बेटी, जिसको पब्लिक का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अच्छा दोस्तों, अगर इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो 58.1 करोड़ इसका मार्केट कैप है, और डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं। इसका जो 52 वीक का हाई है 1.18 रुपये है, और जो 52 वीक का लो है वो 49 पैसे है। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो ये देखिए, इसने मार्च 2022 में 15 लाख की सेल्स की थी, और जून 2022 के क्वार्टर में 71 लाख की सेल्स की है। अगर इसका जून का प्रॉफिट देखा जाए तो केवल 2 लाख रुपए है, और अगर मार्च का देखा जाए तो इसका -6 लाख रुपए इसका प्रॉफिट था, क्योंकि इसके जो एक्सपेंसेस थे वो 18 लाख के थे, जबकि इसकी जो सेल्स थी वो लगभग 15 लाख के थे। और दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अगर इसका प्रॉफिट देखोगे तो 30 लाख का है, और सेप्टेम्बर 2021 में 6 लाख का है, यानी कि ओवरऑल ये थोड़े बहुत प्रॉफिट में ही रहती है। अच्छा, कंपनी की खुद की पूंजी की जाए, यानी कि जो इसकी जो शेयर कैपिटल है वो 58.43 करोड़ की है, और जो रिजर्व है 3.48 करोड़ की है। तो यानी कि कह सकते हैं कि कंपनी के पास लगभग 102 करोड़ के आसपास की अपनी खुद की पूंजी है। इसके ऊपर कर्जे की बात की जाए, जो कंपनी के ऊपर केवल 1 लाख का कर्जा है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्जा है ही नहीं, यानी कि एक डेट फ्री कंपनी है ये। प्रमोटर की होल्डिंग की बात की जाए तो जून 2022 के क्वार्टर तक जो प्रमोटर की होल्डिंग है 6.3% की है, और जो पब्लिक की होल्डिंग है वो 93.97% की है। और इसमें जो पब्लिक की होल्डिंग है उसमें ये देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने इसमें अपनी होल्डिंग रखी हुई है, जैसे आर सत्या मूर्ति है, इसमें 10.16% की इस कंपनी में इसकी होल्डिंग है, और ये 7.55% की इस कंपनी की होल्डिंग है। और अगर ये बाकी भी आ रही सोपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को देखोगे तो इसमें 6.24% की हिस्सेदारी इसमें, और ये भावशाली मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की होल्डिंग देखोगे तो 4.98% की है। तो ऐसे ही इसमें जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उन्होंने इसमें अपनी होल्डिंग बनाई हुई है। टोटल परसेंटेज देखोगे तो 97.97% की इन्होंने होल्डिंग बनाई हुई है। देखिए दोस्तों, ये एक पैनी शेयर होते हैं, और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले है ना, आपकी खुद की रिसर्च भी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो दोस्तों, ये केवल 1.59 पैसे का शेयर है। पहले तो इसमें है ना, आप अपनी इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, जैसे ही आपको 30 पैसे के आसपास मिले तब आप इसमें अपना बाइंग करना स्टार्ट करें, और थोड़ा बहुत ही बाइंग करें। अगर आपका पोर्टफोलियो साइज 1 लाख रुपये का, तो इसमें आप मुश्किल से 500 या 1000 रुपये इन्वेस्ट करें, और वो भी अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी सलाह पे ही आप इन्वेस्ट करें, और इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट न करें दोस्तों। अभी ये अपनी बाइंग जोन में नहीं है अभी, जैसे ही आपको ये 30 पैसे के आसपास मिले तब आप इसमें बाइंग करना स्टार्ट कर सकते, और जैसे जैसे आपको ये डिप में मिले आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और दोस्तों, कम से कम पैसे आप इसमें उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना आप भूलने के लिए तैयार हो, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा शेयर है कि ये आपको ऐसा नहीं है कि ये साल में हमेशा ही आपको प्रॉफिट देगा या पर सर्किट में मिलेगा। जब भी इसकी कोई फिल्म या कोई शॉर्ट फिल्म आएगी और वो कुछ अच्छा प्रदर्शन करेगी, यानी कि अच्छी चलेगी, तभी आपको इसमें कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसे ही और अधिक पैनी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।